रविवार बंदी के दिन देर शाम एक ठग ने एक लालची शराब को अपनी ठगी का शिकार बनाकर चंपत हो गया। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा थाना भरतना कोतवाली कस्बा में लालची शराब के उस समय होश उड़ गए जब ठग से प्राप्त चारों सोने की चूड़ियां जांच पड़ताल में पीतल की निकली। इस घटना की खबर फैलते ही नगर के सराफा व्यापारियों में हड़कंप मचने के साथ सनसनी फैल गई और घटना स्थल होमगंज मंदिर निकट मार्केट में संचालित श्री रामजी ज्वेलर्स की दुकान पर सैकड़ों सराफा व्यापारियों का हुजूम एकत्रित हो गया। शराब की दुकान से हुई ठगाई की सूचना पर कस्बा पुलिस चौकी प्रभारी नागेंद्र सिंह के पहुंचने पर ठगी के शिकार शराब संचालक विशाल पुत्र शिवपाल सिंह तोमर ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। क्या नाम है? विकास। क्या घटना हो गई है? एक बंदा आया, उसने कॉल करवाया होमगंज में, मैं एक्चुअली यहाँ था इस दुकान पे, तो उसने किसी से कॉल करवाया, उसने कहा कि कोई शराबे वाला हो तो उसको कॉल करके मुझे कुछ सामान चाहिए। तो एक मेरे बगल में पड़ोसी पंडित जी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे भाई को, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि दुकान चले, कोई कस्टमर है उसको कुछ सामान देना है। तो मैं घर पर गया, स्कूटी लेके सीधा दुकान चला आया। मैंने उसको मतलब पैंडल चाहिए, मैंने पैंडल दिखाया उसको, पहले उसने पैंडल देख लिए, उसके बाद मैंने उसने अपनी चूड़ी अपने पास से चार निकाली और वो उसके बाद कहने लगा इसमें लाख बढ़नी है और इसकी साफ होनी है। तो मैंने उसको अंदर रख लिया, तो उसको मैंने पैंडल दिखा के और उसको मैंने दे दिया। तो फिर क्या हुआ आगे? क्या फिर जब मैंने उसको चूड़ी को चेक करवाया, मतलब जो मेरे नारियाँ हैं, जो सुनारियाँ हैं, जो उनके यहाँ चेक होते हैं, तो वहाँ जब चेक कराया तो वो तो पीतल की निकली हुई चूड़ियाँ। फिर मैंने जब उनको सब जगह देखा आएगा तो वो निकल गया। उसका जो आपने दिया था वो सामान कितने का था? वो समथिंग 41 ग्राम 42 ग्राम के लगभग है। 41-42 ग्राम था। लगभग कितना निकल लेगा जाके? कितने रुपये का होगा? ढाई लाख के होंगे समथिंग। पुलिस को सूचना कर दिया? हाँ, पुलिस को सूचना।